हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज हूँ मैं अपने एयरबीएनबी में और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था लंदन में आके। तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन। जी हाँ, आज मैं जाऊंगा लीड्स की तरफ, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार आपको एयरबीएनबी दिखा दूँ जो मैंने बुक किया था 2 दिनों के लिए। सो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना बढ़िया व्यू है, और आपको मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा व्यू है बालकनी से, आप देखिए। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, बीच में पार्किंग है, और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो फ्रेश एयर के लिए। ये डोर की तरह पूरा ओपन हो जाता है। क्लाउड्स देखिए, मौसम बहुत अच्छा रहता है, कभी सनी हो जाता है, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं। ये देखिए, वेल मेंटेन्ड, और पार्किंग कितनी अच्छी है, बहुत नाइस नेबरहुड है। और अभी मैं हूँ अपने लिविंग एरिया में, ये देखिए। सो दिस इज द लिविंग एरिया। यहाँ पे सोफास, और ये सामने किचन। ये मेरा लगेज रेडी है क्योंकि मैंने अब बस निकलना है। और ये टेबल, ये देन किचन। किचन में देखिए, यहाँ पे सिंक भी है, देन ये बर्नर्स और ऑल द इक्विपमेंट्स। ये देखिए फ्रिज, फ्रिज में आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं, बड़ा फ्रिज है। सो इस तरीके का है। और साथ ही साथ में इसमें जो नाइफ एंड ये सब चीज़ें हैं कुकिंग आइटम्स के लिए, बनाने के लिए, ये सब साथ में। फ्लोरिंग भी देखो अच्छी है। तो इस तरीके से ये है, मुझे अच्छा लगा। हीटर भी लगे हैं, बट हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये वैसे ही लॉक्ड है, पूरा बंद है, एयर टाइट, सो कोजी सा है। ये देखिए, ये है रूम। ये देखिए, यहाँ भी हीटर लगा हुआ है, बेड बहुत अच्छा, और पीछे विंडो है, बाहर का व्यू आता है। इधर है अलमीरा, ये सारी अलमीरा है। देन एक स्मॉल कबर्ड, ड्रॉज वाली, एंड देन बिग, इसमें आप कुछ अपना इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं। और यहाँ भी, सो स्टोरेज वाइज प्रॉपर है, बढ़िया, आराम से आप सोइए। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं वॉशरूम। दिस इज द वॉशरूम। नहाने के लिए, और वहाँ से हॉट वाटर आता है, आप उसको बटन को प्रेस करिए, कभी भी हॉट वाटर आ जाता है। देन मिरर और वॉश बेसिन, और हाँ जी, सबसे जरूरी चीज़, बाइडेट। सो दोस्तों, इसको आप ज़रूर लेके आइए जो कि आ रहे हैं एशियन कंट्रीज से, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। सो जिनको भी ये जेट की आदत है वाइल यूजिंग वॉशरूम, तो आप इसको जरूर लेके आइए। इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा है, अमेजोन से आप इसको मंगवा सकते हैं, बाइडेट, BIDET, आप ये डाल के सर्च कर सकते हो। सो बहुत बढ़िया बन रखा है। देन यहाँ भी हीटर है, फ़ोन लगा हुआ है एक, और ये मेंटेनेंस के लिए है, अगर कुछ यहाँ पे हॉट वाटर वगैरह कुछ मेंटेनेंस के लिए होता है। और ये रूम का एंट्रेंस के गेट, इसको आप लॉक करके रखिए। और ये इधर भी है एक छोटा सा स्टोरेज। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको बंद कर देते हैं। सो प्राइवेट अपना एयरबीएनबी, एक स्मॉल स्टूडियो फ्लैट है ये, बेडरूम एंड लिविंग एंड किचन और बाथरूम, और फुली प्राइवेट, नॉन शेयरिंग। लंदन हीथरो के पास में है, टर्मिनल 4 के पास में, वॉकिंग भी आ सकते हो आप। और ये एरिया का नाम है वुड रिज क्लोज। ओके, सो ये सारे अपार्टमेंट्स बने हैं। मैंने इसको बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू, ठीक है, एंड मेरे 2 दिन के लगे थे अप्रॉक्स 14-15,000। सो मुझे ऐसा ही चाहिए था ड्यू टू लोकेशन, और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था इंडिया से। सो मुझे ऐसा ही चाहिए था, एक प्राइवेट हो और अच्छा हो, पास में हो, लंदन हीथरो के पास में हो। सो मैंने जब मेरी फ़्लाइट लैंड करी थी, तो मैंने यहाँ पे बुकिंग करी थी ऊबर की, देन आई केम हियर।
और कुछ ही टाइम में 20 मिनट से भी पहले मैं यहाँ पे आ गया था। सो गुड प्लेस अगर आप अकेले आ रहे हो या आपको फर्स्ट कोई डेस्टिनेशन चाहिए, आपका बुकिंग जरूर करा के आओ, क्योंकि इंस्टेंट बुकिंग नहीं होती है। आप अकोमोडेशन की बुकिंग पहले करा के आओ तो दिस इज़ बेस्ट प्लेस अगर किसी को लंदन हीथरो के पास में चाहिए, बिकॉज जो भी फ्लाइट्स आती हैं मोस्टली लंदन हीथरो बिजी एयरपोर्ट है, सो काफ़ी रश हो जाता है, इमिग्रेशन पे भी रश होता है और बाहर निकलते निकलते बहुत टाइम हो जाता है। सो इवनिंग वाली फ़्लाइट्स पे अगर आप आ रहे हो और आपको निकलते निकलते 11-12 बज जाएंगे, सो उस टाइम पे आपको एक, वैसे ही आप थके होगे, टायरिंग होगे, तो आपको एक अकोमोडेशन चाहिए। सो डू बुक दिस एयरबीएनबी, ठीक है। ओनर भी यहाँ पे पास में ही रहते हैं, अगर कुछ पूछना होता है तो या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनको बुला सकते हैं, ठीक है, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। सो आप इसको चेक कर सकते हो एयरबीएनबी पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड और भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू। सो आपकी जर्नी लंदन के लिए, हीथरो के लिए, या जहाँ भी आप यूके स्टडी के लिए आ रहे हैं, वर्क के लिए आ रहे हैं, अच्छा रहेगा। दोस्तों किचन का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप एयरबीएनबी बुक कराओगे किचन जरूर होनी चाहिए, बिकॉज बाहर का खाना बहुत महंगा है। सो जरूर आप किचन बुक कराएं और अपना खाना ही बनाएं ताकि आपको सस्ता पड़ेगा। नियर बाय स्टोर से सब कुछ मिल जाता है, आप इजीली कुक कर सकते हो, नहीं तो आपके बहुत पैसे खर्च होंगे अगर आप बाहर से खाओगे। थैंक यू। अभी भाई उबर बुक कराई थी तो ये देखो BMW आई है 3 सीरीज, अब इसमें जाएंगे एयरपोर्ट। जो लीड्स के लिए कोच है वो चलेगी टर्मिनल 4 से। सो मैंने अपने एयरबीएनबी से बुकिंग कराई थी उबर की, एंड ये मुझे ड्रॉप करेंगे टर्मिनल 4 पे, देन वहाँ से मैं कोच लेके जाऊँगा सीधा लीड्स।
आप स्पेस चेक कर सकते हो, लेगरूम चेक करो, और लगेज सारा बस के नीचे होता है, वो भी ये खुद ही अंदर इसमें डालते हैं। सो आपका बस काम है यहाँ तक लगेज लेके जाना, और बस बोर्ड करो और आराम से बैठो, एसी चल रहा होता है अंदर, और आराम से बैठो। जब भी आप लंदन हीथरो से चलेंगे, एक बार आपको चेंज करनी होती है कोच, वो भी इनका टर्मिनल बना होता है, एक से टर्मिनल से जाके दूसरे टर्मिनल में जाना होता है, वहाँ पे आपको इजीली लीड्स की बस मिल जाएगी, बोर्ड कर लो।
आप देखो व्यू कितना सोना है दोस्तों। और ये बस जाती है मोटरवेज से, जो कि इंटर स्टेट मोटरवेज बने होते हैं लाइक हाईवेज, बहुत अच्छे हैं रोड्स बने होते हैं। अभी हम आ चुके हैं लीड्स, ये लीड्स का आउटर एरिया है और हमें जाना है लीड्स बस स्टेशन तक। तो बस स्टेशन तक हमें लीड्स की ये बस नेशनल एक्सप्रेस उतारेगी और वहाँ से फिर मैं कैब बुक करूँगा जहाँ पे मैंने आज का स्टे किया हुआ है। तो ऊबर आ चुकी है और अब जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे एयरबीएनबी में आज का स्टे है। तो आप भी देखो, वॉच करो लीड्स कैसा है, लीड्स की रोड्स। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।